हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लेसन सिक्स। लेसन सिक्स में है बेटा विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो समझा रही। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब तो आपको पता ही है, उल्टा क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है छोटा का बड़ा। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द जैसे यहाँ पे है छोटा, छोटा का क्या है? बड़ा। अब यहाँ पे ये देखो, एक आदमी छोटा है और एक आदमी बड़ा है, लंबा है, तो क्या हो जाएगा? छोटा का बड़ा। यहाँ पे देखो शेर, एक शेर, शेर कितना बड़ा है और शेर का बच्चा छोटा है। अब यहाँ पे देखो एक घर छोटा है, एक घर बड़ा है। यहाँ पे दो पेड़ हैं, एक पेड़ छोटा है और एक पेड़ बड़ा है। तो यहाँ पे छोटा का विलोम शब्द क्या है? बड़ा। इसी प्रकार बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। विलोम का मतलब उल्टा। विलोम का शब्द क्या हो गया बेटा? उल्टा। जैसे यहाँ पे देखे हो छोटा का बड़ा और बड़ा का क्या होगा? छोटा। अब यहाँ पे चलो यहाँ पे देखते हैं अन्य विलोम शब्द। यहाँ पे है मोटा और पतला। अब यहाँ पे देखो ये मोटा है और एक पतला है। यहाँ पे फिगर है, एक बिल्ली है मोटी है और यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली जो है वो पतली है। तो मोटी की पतली, मोटा पतला। मोटा का क्या होगा बेटा? पतला। काला का गोरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कुत्ता है, दो कुत्ते हैं, एक जो है एक कुत्ता जो है ये काला है और एक जो है वो गोरा है, व्हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो है, दो गधे हैं, एक गधे काले, एक गधा जो है वो काला है, दूसरा जो है घोड़ा है, ये गधा नहीं घोड़ा है। एक घोड़ा क्या है बेटा? व्हाइट है, गोरा है और दूसरा क्या है? काला है। अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर का क्या है विलोम शब्द? ऊपर का क्या है? नीचे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर, एक चिड़िया ऊपर बैठी हुई है, दूसरा है नीचे, तो ऊपर का नीचे। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं अप डाउन। यहाँ पे देखो एक छत पे बैठा हुआ है, एक नीचे है, तो एक ऊपर है और दूसरा जो है नीचे है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपने देखा कि दो दो चित्र एक साथ दिखाए गए हैं। प्रत्येक चित्र में पहला चित्र दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहा है, जैसे मोटा का पतला, काला का गोरा, ऊपर का नीचे। आपको इस चैप्टर में ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर कितना है? 34। इसमें हर में दो दो चित्र दिया गया है बेटा, जैसे मोटा पतला। यहाँ पे एक लड़का मोटा है, एक लड़का पतला है, बिल्ली काली है, एक बिल्ली मोटी है, एक दूसरी वाली बिल्ली पतली है। यहाँ पे है एक कुत्ता गोरा है, एक कुत्ता काला है, एक घोड़ा गोरा है और एक काला है। नीचे में ऊपर नीचे, तो एक चिड़िया ऊपर है, दूसरा नीचे। यहाँ पे एक ऊपर आदमी बैठा हुआ है, दूसरा नीचे है। तो वही इसमें है बेटा उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है? जैसे कि माता का पिता, भाई का बहन। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विलोम शब्द। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है और इसका उल्टा विलोम शब्द भी है। जैसे अच्छा का क्या है? बुरा। गुण का क्या है? अवगुण। कठिन का क्या है? सरल। सुबह का क्या है? शाम। अंदर का क्या है? बाहर। आना का क्या है? जाना। खाना का क्या है बेटा? पीना। खट्टा का क्या है? मीठा। एक का क्या है? अनेक। ठंडा का क्या है? गर्म। धूप का क्या है? छांव, छाया। जीत का क्या है? हार। अंधकार का क्या है? प्रकाश। लाभ का क्या है बेटा? हानि। सत्य का असत्य। आदर का अनादर। अपना का पराया। ये सब क्या है? सब उल्टा शब्द है। धनी का निर्धन। पुण्य का पाप। स्वस्थ का अस्वस्थ। चतुर का मूर्ख। आशा का निराशा। गीला का सूखा। गोरा का बेटा काला। उदय का अस्त। जीवन का मृत्यु। दिन का रात। भला का बुरा। असली का बेटा नकली। उतार का चढ़ाव। मित्र का शत्रु। सुख का दुख। मैंने आपको एक एक विलोम शब्द का अर्थ, मतलब उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, पढ़ के सुना दिया है। अब यहाँ पे है विलोम शब्द का। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा बताना। जैसे माता का पिता, भाई का बहन, अच्छा का बुरा,
ऊंचा का नीचा, मोटा का पतला, काला का गोरा। तो चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट टाइम में आपको इसको और थोड़ा विस्तृत रूप से समझा के आपको इसको चैप्टर जो है वो करवा दूंगी। फिलहाल इसे आप लोग खुद से पढ़िएगा जो विलोम शब्द क्या है, और विलोम शब्द ये जो है अच्छा का बुरा, गुण का अपगुण, इसे भी आप लोग अपने अपने नोटबुक में पूरा लिखिएगा। ओके, थैंक यू।